डियर स्टूडेंट्स, आप में से अधिकतर छात्रों ने 64वें बीपीएससी के फॉर्म को फिलअप कर लिया है और अब ये दुविधा दूर हो चुकी है कि कौन सा सब्जेक्ट लें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने अपने ऑप्शनल को लेकर डिसीजन बना लिया है, माइंड मेकअप कर लिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग फॉर्म भरने वाले हैं और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो ऑप्शनल चुना है वो कितना सही है। मेरा मानना है कि आपने जो भी ऑप्शनल चुना है, बीपीएससी के सारे ऑप्शनल्स अपने आप में मार्क्स फिचिंग हैं, सभी नंबर लाने वाले हैं, बशर्ते कि आपने उस पर मेहनत किया है और कंसेप्ट बिल्ड किया है। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल दुविधा को मन से निकाल दें कि आपने जो ऑप्शनल चुना है वो बड़ा कठिन है या फिर पता नहीं ये मुझे किस स्तर तक एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो ये आपके मन में अब नहीं रहना चाहिए। कोई भी ऑप्शनल ख़राब नहीं है, सभी अच्छे नंबर लाने वाले हैं, लेकिन आपकी मेहनत या उस पर आपका किया हुआ होमवर्क एट लास्ट पे करता है। लेकिन आज का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो एक ख़ास विषय से संबंधित है। बिहार का सबसे जो पॉपुलर सब्जेक्ट है मेंस के लिए, वो है हिस्ट्री। आज हम लोग हिस्ट्री को रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन इसके 70% डिस्कशन दूसरे सभी ऑप्शनल पे लागू होते हैं। तो आप ये समझ लें, ये किसी एक विषय से तो संबंधित है, लेकिन ये सब पर काफ़ी कुछ लागू होते हैं। लेकिन इस डिबेट को हम लोग हिस्ट्री पे फोकस्ड रखेंगे। काफ़ी सारे लोग हिस्ट्री ले चुके हैं और अभी फॉर्म भी भरा जाना है, तो काफ़ी लोग इस पे डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ये कि ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आप इसे अपने ऊपर थोपे ना। ऑप्शनल ऐसा नहीं है कि आज हिस्ट्री को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, काफ़ी लोग शायद माइंड बना लें कि अब हिस्ट्री लेना है। नहीं, आप इस पर काफ़ी विचार करें, जिन लोगों का अभी फॉर्म भरना है, कि ये कितना सही होगा, अपने आसपास से आप गाइडेंस लें। और जिन लोगों ने ले लिया है उनके लिए तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ये सब्जेक्ट अब आपके लिए लड़ने और लड़ाई करने का विषय बन चुका है। मतलब ये कि मेंस में आपको अपने इस विषय से ही अच्छे नंबर लाने हैं। आज के इस सब्जेक्ट को हमने इसलिए रिव्यू के लिए उठाया क्योंकि ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेते हैं और इस बात को लेकर प्रोज एंड कॉन्स जो इसके हैं, काफ़ी लोग इसके इस सब्जेक्ट को लेकर एक प्री डिटरमाइंड जो उनका माइंडसेट है वो बना हुआ है। एक तो ये जो आपने थंबनेल में देखा होगा इसके हेडलाइन में कि ये हिस्ट्री सब्जेक्ट आप क्यों नहीं लें और क्यों इसे आप लें, ये डिबेट का हमारा आज का फोकस्ड पॉइंट है। पहली बात कि आप इसे क्यों ना लें, इसके दो बड़े फैक्ट्स हैं। पहला, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, बिल्कुल सही बात। और दूसरा कि इसमें हिस्ट्री में नंबर कम आते हैं। ये दो बड़े फैक्ट्स हैं जो लोग अक्सर इसको डिस्कस करते हैं और ये सही है। सबसे पहले इसके सिलेबस को आप देखिए, यहाँ पे चार पार्ट में सिलेबस दिया हुआ है। हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है, मॉडर्न, मेडिवल, एंशियंट और वर्ल्ड, चार पार्ट में पूरा हिस्ट्री डिवाइडेड है। काफ़ी इसमें सारे सेक्शंस हैं, आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, ये दिख रहा है, ये सही भी है। अब आइए आज के इसके दूसरे पक्ष पे आते हैं, हिस्ट्री आप क्यों लें। पहली बात तो हिस्ट्री को आप पहले से पढ़ चुके होते हैं, आप अपने पूरे एकेडमिक करियर में, अपने प्रारंभिक जो आपका स्कूलिंग है वहाँ से लेकर 12th तक आप हिस्ट्री में काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं, ये इसका एक पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरा, हिस्ट्री को आप आसानी से पढ़ने के दौरान ही समझ लेते हैं। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट जो फीचर है कि हिस्ट्री को आप पढ़ते ही समझने लगते हैं, काफ़ी कुछ पहली रीडिंग में ही आप इसे समझ लेते हैं। तीसरा जो इसका फैक्टर है वो ये कि आप इस ऑप्शनल के साथ सेल्फ स्टडी करके घर पर रह के अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें गाइडेंस की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है। ये एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें आप सेल्फ स्टडी पर अच्छी तैयारी कर सकते हैं घर पर रहते हुए। चौथा, इसमें बुक्स अवेलेबल हैं बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स के, हिस्ट्री में बुक्स मार्केट में इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल हैं, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर। पाँचवा, हिस्ट्री अच्छे ग्रुप गाइड और गाइडेंस आपको मिल जाते हैं हिस्ट्री को लेकर।
आप अगर 10 लड़कों के बीच हैं तो उसमें से 4 लड़के हिस्ट्री लिए हुए मिल जाएंगे। अच्छा ग्रुप मिल जाता है, गाइड मिल जाता है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें टीचर्स अवेलेबल हैं, हिस्ट्री के टीचर्स आपको बड़े अच्छे गाइड उपलब्ध हो जाते हैं। कई बार तो आपके घर में ही आपके भाई, आपके फादर या फिर आपके कोई रिलेटिव या फिर सराउंडिंग्स में अच्छे गाइड आपको उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से, और गाइडेंस भी आपको मिल जाता है, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इसमें अच्छा गाइडेंस भी उपलब्ध है। पांचवा पॉइंट और छठा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्ट्री में जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। आप इसमें गेस कर सकते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस इस सेक्शन से डेफिनेटली आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। नतीजा बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में जो छात्र हैं बहुत सारे लोग वो तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को गेट बाय हार्ट मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा नोट अगर आपने बना लिया है तो आपको टाइम जो एग्ज़ाम में मिल रहा है उसमें आप बेस्ट दें, मैक्सिमम आप आउटपुट दे पाएँ। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को जब एक्सपेक्टेड हैं तो आप गेट बाय हार्ट कर लेते हैं। तो ये हिस्ट्री को लेकर ये पॉजिटिव आस्पेक्ट्स हैं। नेगेटिविटी ये है, बड़ा वॉल्यूम है सिलेबस का, दूसरा ये कि इसमें नंबर्स नहीं आते, और इसकी पॉजिटिविटी जो 6 हमने बताया ये सारे हैं। मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री में अच्छे नंबर भी लाए जा सकते हैं। कैसे? तो आप सबसे पहले इस बार के क्वेश्चन को ही आप देख लें, हिस्ट्री के इस बार के क्वेश्चन को ही आप देख लें, आपको अंदाज लग जाएगा कि हिस्ट्री में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। इसे कई सारे तरीकों से अप्लाई करके ऐसा आप कर सकते हैं। सबसे पहले आइए पिछली बार के इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि ये बदले हुए सिलेबस पर पहला क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि अब मेंस में हिस्ट्री का सिलेबस बदल गया है, यानी हिस्ट्री में अब या किसी भी सिलेबस में जो मेंस का है बीपीएससी का सिलेबस बदल गया है, पैटर्न बदल गया है। अब 900 नंबर के आपके मेंस के पेपर होते हैं, जिसमें 200-300 नंबर के जीएस के पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू, और एक पेपर आपका 300 मार्क्स का आपका जो भी ऑप्शनल है वो होगा। यानी पहले जो 200-200 नंबर के पेपर होते थे अब 300-300 नंबर के पेपर होंगे। हिस्ट्री का आपका एक पेपर होगा 300 मार्क्स का। सबसे पहले आइए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आपको कुछ अंदाज लगेगा। इसका क्वेश्चन अगर हम देखें, ये 60 से 62 का ये क्वेश्चन है। इसका इम्पॉर्टेंट पक्ष ये है, ये 60 से 62 जिन लोगों ने दिया होगा उसकी अच्छी बात ये थी कि इसमें उन्हें नंबर्स अच्छे आए होंगे। इस बार का क्वेश्चन बहुत आसान था। और दूसरा जो एक नेगेटिव आस्पेक्ट है इसका, कि अब जो आप एग्ज़ाम देंगे वो टफ होगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि ये बदले हुए सिलेबस पर पहला जो पेपर था वो हो चुका है, तो अब आज जो पेपर आएगा होपफुली ऐसा लगता है कि थोड़ा टफ होगा। आइए ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि क्या किस तरह से प्रश्न आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको ऑल टुगेदर 6 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, 300 मार्क्स है, 3 घंटे का टाइम है। एक देखिए इसमें जो बड़ा बदलाव हुआ कि टाइम आपके पास 3 ही घंटा है, और क्वेश्चंस जो पहले 5 होते थे वो अब 6 हो गए हैं। मतलब ये कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है और नंबर बढ़ गया है। पहले 200 नंबर का होता था, अब 300 नंबर का ये पेपर होगा, लेकिन टाइम उतना ही है। मतलब ये कि यूपीएससी के पैटर्न पर अब क्वेश्चंस होंगे और आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वालिटी है वो डालना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और हिंदूवाद, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के मध्य सहमति और अंतर, यानी इसके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बारे में। ये एक टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन को हल कर पाए होंगे, लेकिन अगर ये टफ क्वेश्चन है तो इसे हम छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए दूसरा 2 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, संभवतः भारत 2 नंबर क्वेश्चन, संभवतः भारत कभी भी प्राच्यवादी पद्धति द्वारा बेहतर रूप से प्रशासित नहीं हुआ जितना विक्रमादित्य के युग के दौरान हुआ। ये एक स्टेटमेंट है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, ये यूपीएससी का पैटर्न है। इसमें दरअसल कहा गया है ये गुप्त काल का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में ये प्रश्न है।
ये एक आसान क्वेश्चन था। देखिए इसमें गुप्त काल के बारे में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दो बड़े शासक थे इस काल के। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके समय में नवरत्न था, नौ नवरत्न थे और इसके समय में बहुत सारा जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था, अच्छा नोट्स बनाकर इस सवाल के जवाब बहुत अच्छे से दिए जा सकते थे। तो ये एक हमारे हिसाब से आसान क्वेश्चन था गुप्त काल पर, जो स्वर्ण युग कहलाता है भारतीय इतिहास का, उस पर ये एक एक्सपेक्टेड और अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा नोट्स बनाकर अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया जा सकता था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 600 से 900 AD तक के बीच दक्षिण भारत में पल्लवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछा जा रहा है। देखिए साउथ इंडिया में दो बड़े इस वक्त 600 से 900 जो AD का है समय है, उस दौरान दक्षिण में चोल या पल्लव, ये दो ही आपको करना है। अगर चोल आपने कर लिया तो पल्लव आपको साथ में करना है, या तो कभी चोल आया या पल्लव, यहाँ पल्लव आया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था यहाँ पर भी। मतलब ये कि हिस्ट्री का ये भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, अच्छा नोट्स बनाकर पल्लव काल पर बिल्कुल प्लेन आप काफ़ी कुछ लिख सकते थे। ये दो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, टोटल आउट ऑफ 3 जो एंशंट से आया। आइए इसका दूसरा सेक्शन देखते हैं। हर सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन तो बनाना ही है, टोटल 6 क्वेश्चंस को आपको हल करना है। चौथा नंबर देखिए यहां से अब मेडिवल से संबंधित है। यहां पर हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया में सांस्कृतिक उपलब्धि, फिर से देखिए गुप्त काल से संबंधित है। ये प्रश्न गुप्त काल से संबंधित है क्योंकि इस वक्त पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में, चाहे वो थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, कंबोडिया हो, सिंगापुर हो, इन सब जगहों पर गुप्त काल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा नोट्स बनाकर वॉमिट किया जा सकता था, एक आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, फिरोज शाह तुगलक, या तो आप मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी, तीन क्वेश्चन इस यहाँ से आप करते हैं दिल्ली सल्तनत से, उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेट हो जाता है। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जो जनरल परसेप्शन है वो पूछा गया है। चूँकि ये प्रबुद्ध और दयालु शासक था, इसने बहुत सारे मानवीय कार्य किए थे, तो उससे संबंधित आपको एक सिंपल सा नोट्स बनाकर अच्छे से इसको केवल सिद्ध जस्टिफाई करना था। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन देखिए, अगेन एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, शिवाजी पर, मराठा पर एक क्वेश्चन आना ही आना है, या तो मुगल काल का पतन या फिर मराठों का उदय या उनका उनके शासन के उपलब्धियों के बारे में, शिवाजी के बारे में विशेषकर प्रश्न आते ही आते हैं। शिवाजी पर भी देखिए यहाँ पर भी जदुनाथ सरकार का स्टेटमेंट है, मैं शिवाजी को अंतिम महान रचनात्मक बुद्धिमान और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ जिसे हिंदू जाति ने जन्म दिया। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, अच्छा नोट्स बनाकर इसमें कुछ अच्छे कंटेंट डालकर बहुत अच्छा नंबर लाया जा सकता था। तो यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप बड़े अच्छे ढंग से इसको डिफाइन और डील कर सकते थे। दूसरा सेक्शन देखिए, सेक्शन 2 में यहाँ पर आप मॉडर्न का सेक्शन शुरू हो रहा है। भारत के सामाजिक नीति बनाने में अंग्रेजों के ध्येय 7 नंबर और विवशताओं का, एनालाइज क्रिटिकली द मोटिव्स एंड कंपल्शंस ऑफ द ब्रिटिश इन फ्रेमिंग सोशल पॉलिसीज फॉर इंडिया। देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसा था, मेरे हिसाब से तो ये एक टफ क्वेश्चन था, चूँकि ब्रिटिश काल में सामाजिक व्यवस्था में जो उलझन दुविधाएं थी, जो सोशल बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे, ये क्वेश्चन ऐसा था जिस जो कंसेप्चुअल था, इसको लिखते समय आपका कंसेप्ट सामने आता, हम इसको टफ क्वेश्चन मानेंगे। चाहे सती प्रथा हो, चाहे दूसरी शिक्षा से संबंधित बातें हों, या दूसरे सुधार हों, गोद निषेध जो डलहौजी के समय हुआ, चूँकि उस समय राजे रजवाड़े नवाब बहुत सारे जिनको बच्चे नहीं होते थे तो गोद लेते थे बच्चे पर, उसको ब्रिटिश काल में निषेध किया गया, प्रोहिबिट किया गया। तो ये सारे सोशल कंटेक्स्ट को लेकर आपको एक यहाँ पर डील करना था इस क्वेश्चन को, हम इसे टफ क्वेश्चन मानते हैं। आइए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ के बढ़ के दूसरा आसान क्वेश्चन कौन सा हो सकता था। देखिए 1857 के बारे में बहुत आसान प्रश्न आया है, परंपरा और आधुनिकता में एक संघर्ष था। एक चीज़ आप देख लें, ये भी एक स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा में है, UPSC का पैटर्न। मतलब ये कि आपको बड़े इतिहासकारों के जो कथन हैं, जो कोट्स हैं, उनको समझना है और उसको डील करना है।
यहाँ पर भी ये परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष था। बहुत आसान क्वेश्चन था नेचुरली 1857 का महासंग्राम, जो प्राचीनता थी जो हम भारतीय सभ्यता संस्कृति की और आधुनिकता उसके बीच संघर्ष था। ब्रिटिश शासन के दौरान जो आधुनिकता या नयापन बहुत सा दिखा, इसके बीच एक तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो इसको डिस्कस करना है आपको सिंपली, इसमें बहुत सारी बातें आप लिख सकते थे। 1857 पर एक आसान क्वेश्चन था। नवा नंबर क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का परीक्षण कीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम काल के साथ उसके सिद्धांत और इसको जोड़िए। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले दिनों हम लोगों ने हिस्ट्री में किया था, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, और हमने कहा था कि इसका दूसरा चरण जो 1920 के दशक में चला, जैसे भगत सिंह राजगुरु या रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, सूर्य सेन, सचिन सान्याल, ये सब लोग जो आते हैं, ये पूरा का फेज सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज के साथ सेकंड फेज को रिलेट करते हुए आपको इस पर एक अच्छा सा एक्सप्लेन्ड नोट्स बनाकर इसे आपको एक्सप्लेन करना था। कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कंसेप्ट डालना है, आपको इसमें याद नहीं करना है प्रश्न को, बल्कि जो पहला सेक्शन है दूसरे सेक्शन के साथ रिलेट करके बहुत अच्छा आप इसमें लिख सकते हैं। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बहुत अच्छे से लिखा जा सकता था, अच्छे नंबर्स लाए जा सकते थे। आइए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के तीन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि टफ था, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के उदय पर ये क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ के आगे बढ़ सकते थे। दूसरा जो दो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं कि वैसे क्वेश्चन जिसे हम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। 11वां क्वेश्चन, किस प्रकार नवीन विज्ञान और तकनीक 1870 के बाद पाश्चात्य जगत में भौतिक उन्नति लाने में जिम्मेदार था। मतलब ये कि ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पूछ रहा है। आप जानते हैं कि 19वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप में हुआ और उससे उसका जो विकास और विस्तार हुआ वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको चार क्रांति पढ़ना ही पढ़ना है, रशियन, फ्रेंच, अमेरिकन और ये इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन था, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट है। आप कहेंगे कि पढ़ते हुए ये टफ लगते हैं नेचुरली, लेकिन अगर आप ये चार क्वेश्चन पे कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं तो एक डेफिनेट है, और हर सेक्शन से कम एक क्वेश्चन लिखने हैं। आइए इसके दूसरे सेक्शन को देखते हैं। 12वां प्रश्न, साम्यवादी क्रांति का चीन के समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, चीन में कम्युनिज्म कैसे फैला। तो अब चाइना, टर्की और जापान, ये तीन में से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। आपने देखा कि इस 12 में से 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्सपेक्टेड थे। ये हिस्ट्री की बहुत बड़ी लिगेसी है, बहुत बड़ा हिस्ट्री का पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप इसके क्वेश्चंस को गेस करके अच्छा नोट्स बनाकर आप इसे वॉमिट कर सकते हैं। अब अच्छा नोट्स किस तरह से बनता है ये एक अलग पक्ष है, क्योंकि आप साधारण ढंग से कोई नोट्स आप अपने घर में बना के और आप उसे रट कर चाहें कि लिख देंगे तो ये सही नहीं है। अब UPSC का पैटर्न लागू हो गया BPSC में, मतलब स्टेटमेंट दे रहा है इन्वर्टेड कॉमा में, जो हिस्टोरियंस हैं उनके कोट्स होते हैं, तो मतलब ये कि आपको कंसेप्ट भी बिल्टअप करना है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्सपेक्टेड हम छांट लेंगे और अच्छे से इसको पढ़कर हिस्ट्री में बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर्स अच्छे ऐसे कैसे लाने हैं इसके लिए काफ़ी कुछ बातें, आप नोट्स को साहित्य बनाकर अगर आप लिखेंगे हिस्ट्री में तो नंबर नहीं आएंगे। हिस्ट्री के नोट को आप लिटरेचर ना बनाएं, मतलब प्लेन बिल्कुल लग रहा है जैसे कि आप राजपथ पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा इसे मसाला स्पाइस डालना है, पिक्चर डालना है, कोट्स डालना है, कुछ प्रेजेंट कंटेक्स्ट को डालना है। तो हिस्ट्री जो पूर्व का इतिहास है, पूर्व में घटित घटनाक्रम का इतिहास है, उसमें कंटिन्यूटी को जोड़कर आप इसे बहुत ही स्पाइसी बनाकर मार्क्स फेचिंग बना सकते हैं। ज्योग्राफी की तरह इसमें मैप डालकर आप इंडस को आप डील कर रहे हैं, वैदिक को डील कर रहे हैं, तो गंगा यमुना दुआब है उसके जो मैप है उसका वो आप डाल दें। आप इंडस को कर रहे हैं, किस तरह से वो विस्तार हुआ, उसका उद्भव और विस्तार किस रीजन में हुआ, उसका थोड़ा सा मैप डाल दें।
थोड़ा सा फैक्ट्स डालते हैं, इसके जो इसमें जो लिपि है इंडस की उसके पिक्चर बना दें, मतलब ये कि हिस्ट्री में आप हिस्ट्री को लिटरेचर ना बनाएं, स्पाइस डालें, वो आप सीखेंगे धीरे धीरे कि कैसे इसमें स्पाइस डालना है। सबसे पहले आपको एक अच्छा सा नोट आपको इकट्ठा करना होगा, रेडीमेड नोट्स आप पहले ले लें। आजकल ऑनलाइन देखिए बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो बीपीएससी बिहार के किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी लेखक का आप अच्छा सा नोट उपलब्ध कराएं, पहले जमा करें, बहुत ज़्यादा नहीं, कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो आप ऑनलाइन आप सर्च करें, बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। एक अच्छा सा नोट्स आपको पहले लेना चाहिए और उसको फिर इनरिच करना है, पॉलिश करना है, स्पाइस डालना है और इसको मार्क्स फेचिंग बनाना है। ये सही बात है कि हिस्ट्री में नंबर्स नहीं आते, कम आते हैं, क्यों? क्योंकि आप इसे लिटरेचर बना देते हैं, साहित्य बना देते हैं, कहानी के रूप में आप लिख डा 1857 का रिवोल्ट आपने कहानी बना दिया, घोड़ा चल रहा है, आ रहा है, युद्ध हो रहा है, नहीं, आप इसमें किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट है, हमारी प्राचीन जो सभ्यता संस्कृति है उस पर हमें क्यों गर्व है, उसको जस्टिफाई आपको करना है, और आधुनिकता से उसका किस तरह से क्लैश होता है उसमें, उसको उसके फैक्ट्स को आपको डालना है। मतलब ये कि नोट्स को आपको बेहतर से बेहतर बनाना होगा, हर कोई ये बात बिल्कुल समझ ले। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, रट करके काम नहीं चलेगा, आप लिटरेचर बना के नंबर नहीं ला सकते, आपको इसे इनरिच करना होगा, इसमें स्पाइसेस इतने डालने होंगे कि इवैल्यूएटर जो है वो कहे कि मज़ा आ गया, और मज़ा तब आएगा जब आप अच्छे से नोट्स को फिर उसमें अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालकर उसे मैंने स्पाइस डालकर उसमें उसे इनरिच करें। तो हिस्ट्री का ये जो हमारा बात था, दूसरी बात अब बातें आ जाती हैं कि बुक्स की, कई सारे लोग फौरन ये पूछने लगते हैं कौन सा बुक पढ़ें, बुक्स काफ़ी हैं, इस पे आपको थोड़ा सा आप रुक जाएं, हम आपको अच्छी बुक्स जो है बिल्कुल बहुत जल्द एट द अर्लीस्ट आपको हम सजेस्ट करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और आसान भी लगेगा। लेकिन उससे पहले आपके पास हिस्ट्री की कौन सी बुक है, आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों वर्षन में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। जब आप हमसे पूछते हैं तो आप ये बताएं कि आपके पास कौन सी बुक है, ताकि हम, अगर आपके पास जो बुक है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, बजाय इसके कि हम किसी और बुक के बारे में आपको बता रहे हैं, लेकिन आपके पास, चूँकि हमें सब चीज़ की है जानकारी आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी अगर कोई अच्छी बुक है तो आपको उसी से पढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम आपको कोई बहुत अच्छी बुक बता दें। साथ में अगर आप एडिशनल पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी बुक को भी बहुत अच्छे से समझ और पढ़ सकते हैं, चूँकि आप उसे पढ़ रहे हैं। आप तो आप कमेंट बॉक्स में जब भी हमसे बुक्स के बारे में पूछें, आप ये ज़रूर बताएं कि आपके पास किस राइटर की बुक है, आप किस बुक को पढ़ रहे हैं। हमने क्रॉन का जनरल स्टडीज़ में बताया है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, आपके पास अगर जनरल स्टडीज़ की कोई अच्छी गाइड बुक या कोई दूसरी बुक है तो आप उसी से पढ़ें। तो पहली बात ये कि हिस्ट्री अगर आपने ऑप्शनल ले लिया है तो ये मन से भ्रम आप निकाल दें कि सिलेबस बड़ा है, पढ़ना बहुत है, नंबर कम आते हैं, ये सब भ्रम जो मिथ है दूर किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया कि अच्छे नंबर्स लाए जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप हिस्ट्री को लेकर जैसे ही आपने हिस्ट्री ऑप्ट कर लिया है, एक अच्छा सा नोट्स हर चैप्टर का बनाते चलें। देखिए यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मौर्य कर लेते हैं, गुप्त कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन डेफिनेट है, आप चार क्रांतियां कर लेते हैं एक क्वेश्चन डेफिनेट है, छह टोटल लिखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में चाइना और जापान अगर आप कर लेते हैं एक क्वेश्चन डेफिनेट है, आप अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक कर लेते हैं एक क्वेश्चन डेफिनेट है, तो ये सारे हैं। आप अकबर कर लेते हैं, औरंगजेब कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस को हिस्ट्री में बहुत आसान किया जा सकता है गेस करके, जो प्रायः लड़ते हैं, ये अलग बात है कभी कभी सेटर बहुत बदमाशी करते हैं तब दिक्कतें भी आती हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है।
दूसरे वो क्वेश्चंस जो आपने गेस नहीं किए हैं उसको भी आपको एक्स्ट्रा में टाइम निकाल कर पढ़ लेना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में हम साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई कर सकें। तो हिस्ट्री को लेकर ये हमारा रिव्यू था कि आपने अगर डिसाइड कर लिया है तो आप मूव फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ें और नोट्स अच्छे उपलब्ध करें, जो भी आपके पास किताब है उससे आप पढ़ें, और हम भी आपको बताएंगे, बहुत अच्छी बुक्स बताएंगे। लेकिन अभी आप हड़बड़ी न करें, थोड़ा सा रुक जाएं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं, कुछ नए एडिशंस आ रहे हैं, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। तो यहीं पर इस डिस्कशन को रोकते हैं। आप लास्ट में, हर एपिसोड के लास्ट में हम इंड स्क्रीन ज़रूर देते हैं, इंड स्क्रीन मतलब लास्ट में लिंक दे देते हैं, कम से कम चार वीडियोस के, चार पिछले वीडियोस के लिंक दिए हुए होते हैं, उसे आप क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हमने ऑप्शनल पर पहले भी एक रिव्यू किया था, पांच जो लोकप्रिय ऑप्शनल्स हैं उसके लिंक हम दे रहे हैं, प्लस दूसरे वीडियोस के भी लिंक रहते हैं, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। यहीं पर आपसे विदा लेंगे ये कहते हुए कि आप अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर ना छोड़ें। समय निकलता जा रहा है, एक महीना निकल चुका है, क्या इस एक महीना में आपने इतना कुछ पढ़ लिया है कि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है? और आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो पाया है, तो फिर इसका सुधार परिष्कार आप जितना जल्दी हो सके कर लें। ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एग्ज़ाम का डेट सर पे आ जाएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये आपको हम बताते हैं। पीटी के लिए भी आप अपने आप को बिल्कुल डाइवर्सिफाइड होके सब कुछ पढ़ना है, तो मेहनत बढ़ाना है, लगे रहें। इस बार बीपीएससी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। जो नीडी हैं उनके लिए तो करो या मरो है, डू और डाई। फिर आप कोताहियाँ क्यों कर रहे हैं? भिड़ जाएं, लग जाएं, इस बार बीपीएससी में आर या पार। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।